हाँ बेटा, पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल और देवपाल, ठीक है। द टू पावरफुल पाल रूलर बिल्ट ए मैसिव एम्पायर, बट दे हैड टू काउंटर चैलेंज फ्रॉम द प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट। बेटा जो पाल वंश के संस्थापक थे देवपाल और कौन से दूसरा कौन सा पाल था, धर्मपाल, उन्होंने क्या किया, बहुत ही पावरफुल रूलर थे, मतलब बहुत ही पावरफुल राजा थे, साम्राज्यवाद थे, कि उन्होंने राष्ट्रकूट इनको भी क्या धूल चटाने की कोशिश की, मतलब उनको हराने के लिए, उनको डिफिटेट करने के लिए पूरा कोशिश किया, समझ गए, चैलेंज किया, ठीक है ना। चैलेंज करना आप जानते ही हो, आप भी करते तो किसी को चैलेंज क्लास के अंदर, ठीक है ना, बस कोई बात। फ्रॉम सेवरल तिब्बत अकाउंटेड अकाउंट्स वी कम टू नो दैट पाल्स वर द पार्थन पार्टन्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, वो किसके पार्ट थे, बुद्धिज्म के पार्ट थे, बुद्धिज्म। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार वाज फाउंडेड बाय धर्मपाल, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो किसके द्वारा लोकेटेड की गई, किसके द्वारा सिचुएटेड की गई, धर्मपाल। क्वेश्चन पुट अप होगा बेटा आपके फ्यूचर में, देखना आप कि जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वो किसके द्वारा बनाई गई है, तो बताओ किसके द्वारा बनाई गई है, धर्मपाल, समझ गए। द पाल से ट्रेड लिंक्स विद साउथ साउथ ईस्ट एशिया, यानी पाल जो लोग थे वो किसके साथ व्यापार करते थे, साउथ एशिया वालों से, ठीक है ना। अब बेटा देखो सब चीजें ऐसे बता रहे कि तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सेंटेंस इसमें जो है जो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। द राष्ट्रकूट, अब आ जाओ राष्ट्रकूट। द राष्ट्रकूट रूल अपॉन द महाराष्ट्र रीजन बिटवीन 750 सी एंड 970 सी, कब से कब तक था राष्ट्रकूट का शासन, 750 टू 970 सी। महाराष्ट्र वाज रूल्ड बाय इफिशियंट एंड एबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैरियर्स लाइक अमोघ वर्षा, हु वाज आल्सो रोट पोएट्री इन द कन्नड़ा लैंग्वेज एंड कृष्णा सेकंड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ऑलमोस्ट 200 इयर्स। कहने करती है महाराष्ट्र वाज रूल्ड बाय इफिशियंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैरियर्स लाइक, यानी महाराष्ट्र के जो शासक थे महाराष्ट्र में, जो किसने किया शासन महाराष्ट्र के अंदर, यानी बंबई के अंदर, जो बंबई वाला इलाका पड़ता है किसका था, राष्ट्रकूटों का था, ठीक है। फिर उन्होंने कहा अमोघ वर्षा, हु हैज आल्सो रोट बाय पोएट्री इन कन्नड़ा लैंग्वेज, जो कि एक क्या है, एक अमोघ वर्षा क्या है, एक पोएट्री, पोएट्री जो किसके किस लैंग्वेज में लिखी हुई, कन्नड़ा लैंग्वेज में। एंड कृष्णा सेकंड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ऑलमोस्ट 200 इयर्स दे फोट विद द प्रतिहार एंड द पाल्स, तो इस समय जो कृष्णा सेकंड था वो दो, कृष्णा सेकंड का जो, अब ऐसा था ही नहीं कि एक राजा 200 साल जी सकता है, मतलब उसके साम्राज्य से उसके साम्राज्य, उसके फिर बेटे जो भी है, मतलब जैसे जैसे उनका वंश चलता है, पहले पता था आपको राजा का बेटा राजा बनता था, ठीक है, ऐसा थोड़ी आज हम प्रधानमंत्री बन गए तो कोई उसका बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा चलता है क्या अपने इंडिया में, नहीं, क्यों, आवर इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। हाँ भाई, दे फोर्ट विद द प्रतिहार एंड द पास अलोंग विद द पल्लव ऑफ काशीपुरम, द मैग्निफिशेंट कैलाश टेम्पल इन एलोरा बिल्ट बाय द राष्ट्रकूट टेल्स ए लॉट ऑफ अबाउट देम। अब देखो बेटा राष्ट्रकूटों द्वारा जो एलोरा में जो कैलाश मंदिर बनाया गया है, कहाँ है, महाराष्ट्र अंदर टेम्पल स्विच, ठीक है, तो वो क्या क्या दर्शाता है, उनके बारे में दर्शाता है कि उनका रहन सहन कैसा था, ठीक है, उनकी कल्चर को शो करता है वो कैलाश टेम्पल। दे आल्सो बिल्ट द टेम्पल इन द एलिफेंटा केव सिचुएटेड नियर मुंबई, ठीक है, इसके पास में ही एलिफेंटा केव है, बम्बई के पास केव मतलब गुफा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन अल मसूदी मेंशन अबाउट द ग्रेट पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द प्रतिहार रूलर एंड द वास्टनेस ऑफ देयर एम्पायर, वंस ही विजिटेड द रॉयल कोर्ट ऑफ प्रतिहार रूलर ऑफ कन्नौज, ही राइट दैट द किंग वाज एट द सेंटर ऑफ द एंटर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उनका साहसिक काम क्या था, साहसिक मतलब उनका प्रशासनिक काम कैसे था, मतलब कैसे उनका शासन को चलाना आता था। तो अल मुस्दी मेंशन अबाउट द ग्रेट पावर एंड द प्रेस्टीज ऑफ द प्रतिहार रूलर एंड द वास्टनेस ऑफ देयर एम्पायर, जो अल मसूदी था उसने उसके एम्पायर के बारे में सारा चीज उसमें डिस्क्राइब किया था। वंस द विजिटेड रॉयल कोर्ट ऑफ प्रतिहार, एक बार वो क्या हुआ था, प्रतिहार का जो रॉयल कोर्ट था, कोर्ट जानते हो, कोर्ट उसमें रूलर एट कन्नौज जो कहां पर था,
कन्नौज में था, वहां पर जाकर मिला। ही राइट्स दैट द किंग वाज एट द सेंटर ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उन्होंने उस एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर का क्या किया, उन्होंने विजिटेड, वहां पर जाकर वो मिला। द किंग एक्वायर्ड एन एक्सट्रीमली पावरफुल पोजिशन। राजा ने वहां पर फिर क्या किया, द किंग एक्वायर्ड एन एक्सट्रीमली पावरफुल पोजिशन। राजा ने वहां पर क्या किया, एक एक्स्ट्रा एक्सट्रीमली फॉर्म में पोजिशन प्राप्त, मतलब पावरफुल प्राप्त किया। ही एडॉप्टेड टाइटल्स, उसने वहां का टाइटल्स सच एज महाराजा आदिराज, द ग्रेट किंग, जो कि वहां के महाराजा आदिराज थे, उनके ग्रेट, उस राजा के बारे में पहचानना चालू किया। त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। ही वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्स। ऑफन ही वाज सक्सेस्ड बाय हिज एल्डेस्ट सन एन एक्सपेंशन टू दिस वाज द राष्ट्रकूट रूलर्स ध्रुव एंड गोविंदा। ठीक है, पेज नंबर 15 ओपन कर रखा ना सबने। यस सर। ठीक है, मोस्टली प्रिंसेस डिड नॉट होल्ड गवर्नमेंट पोस्ट। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम द पोजिशन ऑफ द किंग डिक्लाइन ड्यू टू वेरियस सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। फॉर वेरियस रीजन द किंग स्टार्टेड ग्रांटिंग लैंड टू सेवरल पीपुल। दीज इनिशियली इंक्लूडेड द ब्राह्मण, followed by the local chief, government officer and leader of tribal clans. These people were known as bhogpatis. In place of salary, this land was provided for a short time period. The king collected land revenue from such region and utilized this money to maintain law and order with the assistance of the armed force. At time, the king could also direct these people to provide their कंटिजेंट ड्यूरिंग द वार। अब बेटा ये इसके बारे में रेंसन कैसे क्या था, इसको आप खुद समझ लेना। कोई देखो, तो कैसे सैलरी देते थे वहाँ के जो काम करने वाले वर्कर थे, कैसे ट्राइवेट्स, मतलब वहाँ के जो एरिया था, वहाँ का जो ट्राइवेट्स था, मतलब वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो जनजातियाँ थी, उनको वो कैसे हैंडल करते थे, ये है सारा कुछ नहीं। इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया मेनी एरिया वर रूल्ड बाय डिपिटेड रूल्ड हु वर नॉन एज सामंत। When a ruler was defeated in a war, his territories were returned to him, but he was now required to attend the royal court regularly, provide a quota of crops, pay a fixed tribute, and even give away his daughter to the victorious king or his sons. These samants were always finding way and means to declare their independence. As these samants gained power and wealth, दे डिक्लेयर देम सेल्फ। अब रुको, इसको पूरा समझ लेते हैं एक बार। आपको समझाओ पूरा पूरी समझा लो पूरा पैसेज को। द किंग से द किंग एक्वायर्ड एन एक्सट्रीमली पावर पोजीशन, ये तो यहां तक तो हो गया। ठीक है ना, ही अडॉप्टेड टाइटल सच एज महाराजा आदिराज, द ग्रेट किंग, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। कहने का अर्थ ये, जो राष्ट्रकूट था, मतलब अल मसूदी था, वहां पर जाकर मिला था, फिर उसने क्या किया, वहां के जो राजा महाराजा थे उनके उनके बारे में देखा कि ये तो इतने साहसिक व्यक्ति हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। ही वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म पोस्ट। वो क्या थे, एक कमांडर थे, किसके, चीफ ऑफ आर्म फोर्स, आर्मी के मेन कमांडर थे। ऑफन ही वाज सक्सेडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन एन एक्सेप्शन टू दिस वाज द राष्ट्रकूट रूलर ध्रुव एंड गोविंद द फोर्थ, हु हैड ओवरथ्रोन देयर एल्डर ब्रदर्स। मोस्टली प्रिंसेस डिड नॉट होल्ड गवर्नमेंट पोस्ट। विद द पासेज ऑफ टाइम द पोजिशन ऑफ द किंग डिक्लाइन ड्यू टू वेरियस सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। कहना करते फिर इसके बाद में जैसे जैसे उन्होंने गोविंदा पे आ गया, ध्रुव फोर्थ आ गया, उसके बाद उन्होंने समय गुजरता गया, और उसके बाद में क्या किया, उन्होंने डेवलपमेंट करना चालू कर दिया, और बहुत ज्यादा अपने आप में। फॉर वेरियस रीजन, कई कारण थे, द किंग स्टार्टेड ग्रांटिंग लैंड फॉर सेवरल पीपल। लोगों ने कर लगान, जानते हो आप, वसूलना प्रारंभ कर दिया था। फिर जो किसान खेती करते थे उनसे अपने को कर लगान चालू कर दिया था। दीज इनिशियली इंक्लूडेड द ब्राह्मण, सबसे पहले किससे किया, ब्राह्मण, उन्होंने किसको भी स्टार्टिंग में किसको मिलाया, ब्राह्मणों को। ठीक है, ब्राह्मणों को मिलाया सबसे पहले। ठीक है, फॉलोड बाय लोकल चीफ्स। ठीक है,
गवर्नमेंट ऑफिसर एंड लीडर ऑफ ट्राइबल क्लैंस, फिर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर नेताओं सारे उनको धीरे धीरे उनसे भी लेना चालू कर दिया उन्होंने कर, क्योंकि अपनी प्रजा को चलाने के लिए तो कुछ तो चाहिए ना, ठीक है, सारी चीजें उन्होंने कलेक्ट करना कर चालू कर दिया। ठीक है बेटा, आवाज तो आ रही है क्लियरली, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं चंदन? यस सर। संजय? हाँ ठीक है। इसके बाद में फिर उन्होंने क्या किया, दीज पीपुल वर नोन एज भोगपतिस, और इन लोगों को किस नाम से जाना था, भोगपति। अरे भोगेंगी आराम से, भोगपति हो गए फिर क्यों, कि फ्री का आराम से टैक्स ले रहे थे, मतलब लगान वसूल कर रहे थे, सबसे ही कर रहे थे। पहले तो सबसे पहले किससे करना चालू किया, ब्राह्मणों को इंक्लूड किया सबसे पहले, क्योंकि उनके पास पैसे उस टाइम पैसे थे और किसी के पास, फिर धीरे धीरे पता चला कहा इनके पास भी है तो उनसे भी लेना चालू कर दिया और अपने भोगपति की लाइफ जीना चालू कर दिया। ठीक है, इन प्लेस ऑफ सैलरी दिस लैंड वाज प्रोवाइडेड फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है, और जो इन जो उनके वहां पर कार्य करते थे, काम करते थे लोग, ठीक है, राजा महाराजाओं के, उनको क्या देते थे, शॉर्ट टाइप्स की सैलरी, मतलब बहुत कम मात्रा में सैलरी देते थे, समझ गए, थोड़े से पैसे में काम देते थे, अपना खाना पीना यहाँ कर करो तो थोड़े से पैसे उसे ले लो, ये सिस्टम था। ठीक है, बेगार प्रथा, जानते हो आप बेगार प्रथा, काम के बदले में थोड़ी बहुत मात्रा में वो देना, काम पूरा करवाना, उसको बोलते हैं बेगार प्रथा। ठीक है, द किंग कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू फ्रॉम सच रीजन एंड यूटिलाइज दिस मनी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद द असिस्टेंट ऑफ द आर्म फोर्स। एट टाइम्स द किंग कुड ऑल्सो डायरेक्ट दिस पीपुल टू प्रोवाइड देयर कंटिंजेंट ड्यूरिंग द वार। और वो सारे जो वो कलेक्ट करते थे बेटा, सारा जो धन कलेक्ट करते थे, वो जैसे तैसे करके सैलरी कम करके टैक्स लगा के, और उस पैसे को किस में यूज करते थे, बार बार मतलब युद्ध करने। ठीक है, समझ गए। इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया मेनी एरियाज वर रूल्ड बाय डिप्यूटेड रूल हु वर नोन एज सामंत। नॉर्थ एंड साउथ इंडिया मेनी एरियाज वर रूल्ड बाय डिप्यूटेड रूलर हु वर नोन एज सामंत। अब कहने करते कि जो साउथ इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर जो युद्ध लड़के किसी को पराजित करता था, डिफिटेट मतलब होता हराना पराजित करना, उसको क्या बोलते थे, सामंत। ठीक है, वर्ड अच्छे अच्छे बेटा अपन यूज करते हैं ले, बेटा लेकिन आज के युग में नहीं करने लग गए, लेकिन सब जानते हैं अपने दादा दादा सब दादा दादी जानते सामंत क्या होता है, लगान कहीं से कहे सब जाने, लेकिन अपन नहीं जानते क्योंकि अपन मॉडर्न युग में चल रहे हैं अभी। ठीक है, समझ गए, समझ गए ना सर। मेनी एरियाज वर रूल्ड बाय डिप्यूटेड रूल हु वर नोन एज सामंत। ठीक है, व्हेन रूल बाय डिप्यूटेड इन बार हिज टेरिटरीज वर रिटर्न्ड टू हिम, बट ही वाज नाउ रिक्वायर्ड टू अटेंड द रॉयल कोर्ट रेगुलरली, प्रोवाइड अ क्वोटा ऑफ ट्रॉप्स, पे अ फिक्स्ड ट्राइब टू एंड इवन गिव अवे हिज डॉटर टू द वेरियस सॉरी विक्टरीज किंग फॉर हिज सन्स। These Samant were always finding ways and means to declare their independence. As these Samant gained power and wealth, they declared themselves as Mahasamant, Mahamandaleshwar, the great lord of the circle, and so on. In one such instance, among the Rashtrakoot who were initially subordinate in the Chalukya of Karnataka, a chief named of Dantidurg overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hirayana Garva, the golden bomb. ठीक है, as the Brahman treated the king and wrote attractive genealogies for them and also performed various religious ceremony, the king provided land to them in return. The Brahman were not required to pay any tax on his land, on this land. They did not cultivate the land themselves. Instead, they employed various labor to cultivate this land. And along with this, the Brahman provided their assistance in bringing new land under cultivation and thus increasing agriculture production. These land grants were called Prastas. These were recorded on the copper plates which were given to these received the land. The king became dependent on all these people for
आर्मी एंड रेवेन्यू दीज पीपल कुड रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एट टाइम एंड वुड आल्सो रिफ्यूज टू सेंड ए कंटिजेंट ऑफ सोल्डर दे वुड आल्सो फाइट विद ईच अदर एट टाइम बिकॉज ऑल ऑफ देम हेल्ड देयर ओन आर्मी दस द किंग्स पावर डिक्लाइन ग्रेजुअली एंड द लैंड स्टार्टेड बिकमिंग हेरिडिटरी। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि उनका जो एक एक जो कल्चर था, मतलब कि ब्राह्मणों का काम था पहले पाठ पूजा करना, मंदिरों में सेवा करना। ठीक है, तो उनके कल्चर को भी उन्होंने क्या किया, राजा महाराज ने कहा कि ये तो ये भी काम कर रहे हैं, ठीक है, इनसे भी इनको अर्निंग हो रही होगी, मतलब कमाते होंगे, तो वहां से उन्होंने टैक्स चालू कर दिया। ठीक है, इसके बाद में फिर उन्होंने सैनिकों के सैनिक बना दिए, मतलब लीडर, आर्मी को चलाने के लिए लीडर भी तो होना चाहिए, नहीं तो सारे सैनिक बन जाएंगे तो किसका कहना मानेंगे। ठीक है, उसकी तनख्वाह बढ़ा दी सैलरी में, ऐसे पूरा ये डिस्क्राइब है। फिर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लैंड टैक्स कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने ये तक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि आप जोते को खेत को मजदूरी अजदूरी भी आपकी होगी, वो पैसा हम नहीं देंगे। ठीक है, हमको तो सिर्फ जितना चाहिए वो चाहिए, चाहे आपके घर में खेती हो चमक। क्या किया बेचारों ने, खेती करना ही बंद कर दिया। ठीक है ना, ये स्थिति थी बेटा पहले के लोग, आज कोई टेंशन नहीं, बस कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है ना, अपने धरती को जोतते हैं, खेती को करते हैं और आराम से जिंदगी। ठीक है, आज के तरह होता तो भाग जाते कब के। ठीक है, ये सारा है बेटा, सिस्टम काल कॉपर प्लेट, ये सारा मतलब एक बार आप देख लेना इसको। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, गांव के सरकार कैसे चलाते थे, मतलब गांव का टेंशन क्या था उनका। ठीक है, क्या हो गया चंदन, बढ़िया चल रहा संजय? यस सर। ओके बेटा दिलीप? ठीक है, ओके बेटा। काजल कहाँ गायब हो गए काजल? अरे ये लड़की रोज की रोज गायब हो जाती, थोड़ी देर तो ज्वाइन होती है। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, अब गांव का रहन सहन में कैसे थे देख लो। द विलेज गवर्नमेंट वाज द मोस्ट नोटिशियबल यूनिट इन ऑल द नॉर्थ इंडियन किंगडम। अब देखो बेटा, दिशा भी याद करनी पड़ती है कि कौन से दिशा में कौन से राजा का शासन था। अब ये नॉर्थ इंडिया में आ गया, गांव में ज्यादातर शासन कहाँ का अच्छा चलता था, नॉर्थ इंडिया का यानी उत्तरी क्षेत्र का, पढ़ना पड़ेगा। SST है, सोशल स्टेट ही बेटा, इलाके रख देगी बेटा सबको। क्वेश्चन आंसर बहुत लॉन्ग लॉन्ग होते हैं बेटा, इसमें साइंस को तो आप इजीली समझ जाओगे। ओके, द विलेजेस कंटेंट कमेटी विच लुक आफ्टर लोकल स्कूल टेम्पल वाटर टैंक एंड रोड्स। क्या करते गांव के लोग, कमेटी बैठाते थे किसके लिए, पानी की व्यवस्था है या नहीं, हाँ भाई होना चाहिए, मंदिर अच्छा है कि नहीं, हाँ है, पुजारी उजारी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है भाई। ठीक है, स्कूल हाँ, स्कूल की व्यवस्था करो। तो ये गांव के पंच पटेलों की मीटिंग चलती थी बेटा उस टाइम। ठीक है, समझ गए ना, और किसके किसके ऑर्डर के हिसाब से, राजा के, किंगडम रूलर साम्राज्य जो शासक था उसके अकॉर्डिंग चलता था, वो ऑर्डर कर देता स्कूल चलना चाहिए, हाँ चलेगा साहब। ठीक है, ये सिस्टम था। ठीक है ना, दे वर्कड इन कोऑर्डिनेशन विद द विलेज हेडमैन एंड दे आल्सो असिस्टेटेड इन सेटलमेंट ऑफ वेरियस डिस्प्यूट एसोसिएटेड विद कैटल एंड लैंड। क्या होता था बेटा, ये किसके अकॉर्डिंग चलते थे, राजा एक पर्सनल विलेज में एक हेड मतलब मैन, उसको क्या करता था, स्थापित करता था कि ये हेड है, इसके अंडर इसका कहना मानोगे और ये जैसे तैसे जैसे कहेगा उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। समझ गए ना भाई, राजा क्या रोज की रोज मीटिंग थोड़ी लेगा, हाँ भाई पानी वानी आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ बस स्कूल चल रहा है कि नहीं चल रहा, हाँ चल रहा, टेम्पल एम्पल खुल रहे कि नहीं खुल रहे, हाँ खुल रहे। ठीक है, तो वो भी तो एक हेड बैठाता था, हेड किसको बैठाता था, जो ज्यादा अच्छे कोई ब्राह्मण था, अदरवाइज कोई एक अच्छा बोल चाल कर, मतलब ज्यादा बोलने वाला था
अच्छा इसके अंदर माइंड था उसको। अब पहले के तो बेटा स्कूल स्कूल तो चलते नहीं थे, कैलकुलेशन भी नहीं आती थी उनको सही से के दो दो कितने होते हैं, चार होते हैं, ठीक है, ऐसे भी नहीं आता था उनको। लेकिन अब किसी को मान लो उसने कहीं एक्स्ट्रा माइंड लगा के, हाँ आप सही रहोगे, इस गाँव का, इस विलेज का हेड आपको लोकेटेड मतलब सिचुएटेड मतलब आपको स्थापित किया जाता है यहाँ का, ठीक है, ठीक है, या सेलेक्ट किया जाता है, चुना जाता था उसको, समझ गए ना। और आज अपन किसे सेलेक्ट करते हैं, इलेक्शन करते हो नहीं करते हो आप, इलेक्शन से तो करते हैं ना अपन, पहले इलेक्शन से होते थे क्या, नहीं होते थे, ठीक है ना। आ जाओ द किंग कलेक्टेड सेवरल टैक्स सच एज लैंड टैक्स ट्रेड टैक्स मेनी टाइम्स, दीज वर फर्दर इनहांस्ड बाय वार बूटी और प्लंडरिंग ऑफ नेबरिंग टेरिटरीज। बेटा अब क्या करेगा फिर राजा, वो हेड साहब से कहेगा, हेड साहब टैक्स भी कलेक्ट करना आपको, ठीक है, yes, sir. टैक्स भी कलेक्ट करना है और मेरे को पहुंचाना, और इसका क्या करूंगा मैं, युद्ध में काम करूंगा, समझ गए। ओके बेटा अब यहाँ पर एंड करता हूँ मैं क्लास को, ठीक है, साइन लगाओ, कहाँ तक, कल कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ट्रेड व्यापार करने चलेंगे कल, ठीक है, मोहम्मद गजन भी सारे पढ़ेंगे, मोहम्मद गजन भी, शेरशाह सूरी, yes, sir. बेटा प्रेजेंटेशन कब पढ़ाए रे।